तो सुधीर बाबू वॉज वेरी क्लोज टू मी। इनफैक्ट सुधीर बाबू महाराजा के संग बहुत, मेरे फादर के संग बहुत क्लोज थे। उसके बाद महारानी, उनके जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो महारानी वॉज अ रेवेन्यू मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। उसके बाद सुधीर बाबू से मैंने भी काम किया। मुझे क्लियरली याद है जब मैं कांग्रेस में स्टार्ट कर रहा था तो सुधीर बाबू ने मुझे बहुत इनकरेज भी किया था। एंड जब उनका देहांत हुआ था 2009 में, तो तब से मैं बोधी से भी बात किया था। बोधी वॉज इनफैक्ट सपोज टू स्टैंड इन द बाय इलेक्शन। मैं खुद मिला उनसे और उन्होंने उस समय कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, किसी और को दे दो, क्योंकि फर्स्ट चॉइस फ्रॉम टाउन बरदोली वॉज इन द बाय इलेक्शन बोधी का ही नाम निकला था पार्टी से, लेकिन उन्होंने खुद ना बोला। एक डिफरेंट जनरेशन के लोग थे सुधीर बाबू, बोधी, माय फादर महाराजा महारानी, वो एक अलग जनरेशन था जहां में थोड़ा सा इंटेग्रिटी रहता था पॉलिटिक्स में, जहां में लोग जब कुछ बोलते थे तो उसका मीनिंग वही रहता था। अब वो खत्म हो गया इनके बाद, इसे एंड ऑफ एन एरा, बहुत दुख लगता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जहां भी वो है वो शांत है, और एक शायद सुधीर बाबू के साथ है। आई प्रे फॉर हर डिपार्टेड सोल।